दोस्तों, कई लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वे अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते। ना चाहते हुए भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान होता ही रहता है। ऐसे में इसका कारण समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार लगातार पैसों के नुकसान का कारण वास्तु संबंधी दोष भी हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आर्थिक नुकसान से बचने के लिए 5 ऐसे बेहतरीन वास्तु दोषों के बारे में, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में सुधार लें तो शायद आपकी जिंदगी में ये परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इसी तरह धर्म, इतिहास, यूजफुल टिप्स से भरे हुए आर्टिकल हमारे वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बतलाते हैं आपको अपने इस वीडियो में आज आर्थिक नुकसान से बचने के लिए 5 बेहतरीन वास्तु टिप्स। कहा जाता है कि वास्तु के इन 5 कारणों को ध्यान में अगर रखा जाए तो पैसों का नुकसान से बचा जा सकता है। पहली टिप्स है दोस्तों, धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या अलमारी, जिसमें भी आप धन रखते हो, उसे दक्षिण दिशा में इस तरह रखें कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर ही रहे। धन में वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखना सबसे अच्छा माना जाता है, वास्तु की दृष्टि से भी और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी। दूसरा टिप्स है दोस्तों, घर के नलों में से पानी टपकना बहुत आम बात मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन नल से पानी का टपकते रहना भी वास्तु शास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना जाता है। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है, इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत उसे बदल देना चाहिए ताकि उससे पानी हर वक्त टपकता ना रहे। तीसरी टिप्स है दोस्तों, बेडरूम के गेट के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर वास्तु की कोई चीज लटकाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है। इस दिशा में दीवार में दरारें आदि नहीं होना चाहिए। इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण होता है, इसलिए अगर आपके बेडरूम में यह खराबी हो तो इसे जल्दी ही सुधार लें। वास्तु शास्त्र के दृष्टि से यह सब गलत है। चौथी टिप्स है दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तन एवं कबाड़ को जमा करके रखने से घर में निगेटिव ऊर्जा फैलती है। टूटा हुआ पलंग, अलमारी या लकड़ी का अन्य सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। छत पर या सीढ़ियों के नीचे कबाड़ जमा करके रखना भी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। तो अगर आपके घर में चाहे कबाड़ जमा हो तो उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें। और वास्तु शास्त्र के अनुसार धन खर्च से बचने के लिए 5वीं टिप्स है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जल की निकासी कई चीजों को प्रभावित करती है। जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है, उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र इसे ही शुभ मानता है। तो दोस्तों, ये थे आर्थिक नुकसान से बचने के लिए वास्तु टिप्स। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है, जैसे कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता हो। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।